हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है उससे। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मेरी पहली टिप्स से। तो क्या होता है, कभी कभी हम दाल लेकर आते हैं तो इस तरीके से थैली में आती है और हमारे घर डिब्बे भी होते नहीं हैं। तो किस तरीके से हम इस थैली का ही डिब्बा बना सकते हैं, वो भी ढक्कन वाला, दाल निकालने में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टिप्स देती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। देखो, छोटी सी जो बोतल होती है ना, वो तो हर घर में होती है। वैसे तो हम सादा इस तरीके से निकाल सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आज मॉडर्न का ज़माना है भाई, मॉडर्न। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। पहले आइकन को ऑन जरूर कर देना। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने ली है छोटी सी बोतल, जो आधा लीटर वाली सोडे की बोतल आती है वो। आप कौन सी भी ले सकते हो, जैसे कि अगर पानी की बोतल है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बस थोड़ा इसका हिस्सा चाहिए ऊपर वाला। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, पूरा ही अलग कर लेना इस तरीके से। ये देख लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से हम पोंछ लेंगे, थोड़ा बहुत पानी वानी होगा तो, और ढक्कन भी होना चाहिए बोतल का। तो इस बोतल का ढक्कन था इसलिए मैंने ये वाली बोतल ली है। और इस तरीके से हम पूरा जो ऊपर वाला थैली का हिस्सा है इस तरीके से इसमें डाल देंगे, और सारे जितना भी इसका किनारी है सारी बाहर निकाल लेंगे थैली की। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा एक डिब्बा रेडी हो चुका है। तो इसमें हम ये देख लीजिए, इस तरीके से दाल आसानी से निकल जाती है, और इसको ढक्कन लगा के रख भी सकते हैं। तो हमारे पास डिब्बे नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बोतलों में भर के रख देते हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी रख सकते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो। बहुत ही अच्छा यूनिक भी तरीका लगता है ये, बोतलों में तो हर घर में मिलता ही है, लेकिन कभी कभी यूनिक तरीका भी बहुत काम आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। हम लोग कोई भी काम नए तरीके से करें ना, बहुत अच्छा लगता है। जब दाल निकाल ली उसके बाद इस तरीके से इसमें ढक्कन बंद करके आप रख दो, कोई भी इसमें धूल वूल चीटी वीटी या फिर कोई नहीं जाने वाली है इसमें। ये देख लीजिए, अब हम बता देते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स। जब हम दाल को उबलने के लिए रखते हैं ना, तो कभी कभी क्या बहुत सारा टाइम लगता है पकने में दाल को, और दूसरी बात कि दाल कुकर से बाहर निकल आती है। तो उसके लिए भी बस यही उपाय है कि आप एक बड़ा चम्मच उसमें तेल डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए अभी जब पकाते समय, दाल को उबालते उस समय, तो बिल्कुल भी आपकी दाल निकलने वाली नहीं है उसमें से, और बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाएगी। एक तो नमक डाला इसलिए जल्दी पक जाएगी, और तेल डाला है उससे कुकर से दाल बाहर नहीं निकलेगी, बहुत ही जल्दी पक के रेडी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये टिप्स भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए ढक्कन बंद कर देते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को कैसा क्या है, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मेरी उंगली में जल गया था, तो वो फलक बोलते हैं ना, वो पड़ गया था। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी उंगलियों में लगी जाती, कहीं कट लग जाती है, कहीं किसी तरीके से लग जाता है, तो हमको तो किचन में काम करना ही पड़ता है। तो उसके लिए एक जुगाड़ू टिप्स लेकर आई हूँ। तो ये देख लीजिए, तो इसका हम किस तरीके से, गुब्बारा लिया इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो देख लीजिए। इस तरीके से जिस भी उंगली में आपको लग गया है, कट हो गया है, या फिर हमको काम तो सारे करने पड़ते घर के, जैसे मिर्ची काटना, कोई सब्जी काटना, सब्जी रोटी बनाना, बर्तन धोना, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जिस उंगली में लगी है वो ना भीगे तो बहुत अच्छा जल्दी सही हो जाता है, अगर भीगती रहती है ना तो बहुत टाइम लग जाता है उसको सही होने में। तो इस तरीके से उसी उंगली के ऊपर हम इस तरीके से हम गुब्बारे को पहन के काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी भींगेगी नहीं और आपका सारा काम भी हो जाएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये टिप्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मेरा एक चैनल और भी है एमपी ब्लॉगर सुमन के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देख लीजिए, इस तरीके से आप कोई भी काम करोगे तो आपकी उंगली भींगने वाली नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गुब्बारे को निकाल के, क्या भीगी है उंगली या फिर नहीं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, इसको निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी मेरी उंगली भीगी नहीं है और आसानी से निकल भी आता है, सूखा ही रहे, ये देख लीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग, सॉरी आज के हमारे टिप्स अच्छा लगे होंगे। तो ब्लॉग वाला चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स की तरफ।